लोकसभा इलेक्शन तो एक तरफा होने वाले हैं मेरे हिसाब से। कारण ये है कि ऊपर से तो पास हो जाता है कि भाई ये गरीबों को करना है, बीच वाले जो व्यक्ति होते हैं अधिकारी होते हैं ये सब दबाव करते हैं। अगर मान लो वाकई में पूछे तो सारी पार्टियों को एकजुट होकर आपका चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, कम से कम एक बार बैलेट पेपर से करवा के देखना चाहिए। अगर आप उसमें भी जीतते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं फिर आप ईवीएम मशीन से। लीडर अच्छा है तो ऑब्वियसली अच्छी चीजें सामने आएंगी, अच्छी योजनाएं सामने आएंगी। कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से कोई पब्लिक से कोई। हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह कुश्तवार, आप देख रहे हैं तक खबरदार। आज हम मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में उपस्थित हुए और यहाँ पर भोपाल जिले के होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए यहाँ के भोपाली लोगों से जानेंगे कि होने वाले लोकसभा इलेक्शन में किसकी बहुमत साझेदारी है और यहाँ से भोपाल जिले से पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का टिकट काट के यहाँ पे आलोक शर्मा जी को टिकट दे दिया गया है। यहाँ पे आलोक शर्मा पूर्व महापौर रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि आलोक शर्मा जी को टिकट देने के पीछे भाजपा का क्या कारण है, क्या आलोक शर्मा यहाँ से भोपाल सीट से सीट निकाल सकते हैं, क्या इसके पीछे का कारण क्या है, हम लोगों से जानते हैं वो किस नजरिए से होने वाले लोकसभा इलेक्शन को देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों जी सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं। देखिए तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अप्रैल में होंगे, शायद अप्रैल मई में, तो मेरे ख्याल से ये जो बीजेपी की का ही चांस लग रहा है मेरे को। नहीं, यहाँ से प्रज्ञा जी दीदी का टिकट काट के और आलोक शर्मा जी को टिकट दे दिया गया, क्या प्रज्ञा दीदी ने यहाँ का 5 साल से कोई विकास नहीं किया है, मतलब उनका टिकट काटने का कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से कोई पब्लिक से कोई मेल मिला। आलोक शर्मा जी कैसे व्यक्ति है, लोकप्रिय है या सबसे ज्यादा अच्छे लोकप्रिय है और अच्छे मिलते जुलते हैं लोगों से, पब्लिक समस्याओं को समझते हैं और उनका निराकरण। आलोक शर्मा जी पूर्व में महापौर रह चुके हैं भोपाल से, पूर्व में जब वो महापौर थे तब उन्होंने भोपाल वासियों के लिए क्या किया, गरीब जनता के लिए क्या किया। हाँ हाँ, तो अब जैसे नगर निगम में रहकर उन्होंने काम किया है, अब जो सीमेंट की रोड वगैरह बनवाई है, पानी की व्यवस्था कराई, नालियाँ वालियाँ कचरा वचरा साफ सफाई से रखवाया था, ये सब काम उन्होंने बड़े अच्छे करे थे और काफी एक्टिव थे वो, और इस प्रकार से जो चुनाव हुआ वो सही है। बीजेपी बोलती है कि 400 पार, ये 400 पार वो किस नजरिए से बोलती है, क्या ईवीएम के कारण 400 पार बोलती है या कुछ और। ईवीएम का तो लगता है कि ईवीएम में कुछ है गड़बड़ तो हो रही है उसमें, क्योंकि अभी किसी ने कुछ डाला था, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील था, उसने बताया था कि जितने वोट पड़े हैं और जो जीते हैं वो सब कैलकुलेट करा, उससे कुछ 20-25 लाख हर स्टेट पे वोट बीजेपी के ज्यादा निकल रहे थे, उसका कोई लिखा जोखा नहीं कहाँ से आया है, तो ये अभी डाउटफुल है। तो कुछ ईवीएम का विरोध करना चाहिए या बॉलेट पेपर से चुनाव होने के। मैं तो बिल्कुल 100% बॉलेट पेपर सब सही है, उसमें सब पार्टी के लोग बैठते हैं, जनता भी बैठती है और सब अच्छी निगरानी में बैलेट पेपर का। सरकार किसके बनने के चांस है, कांग्रेस बीजेपी या और कोई पार्टी। केंद्र में, केंद्र में सर ये मेरे को लग रहा है मोदी जी द्वारा आएगा या मोदी जी। आखिर मोदी जी की जितनी सारी योजना निकली है जैसे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, क्या इन योजनाओं का गरीब जनता के लाभ मिला है या कागजों में सिर्फ दर्ज रहे। लाभ मिला गरीबों को तो मतलब कुछ हद तक स्थिति ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं गाँव गाँव में गया हूँ, मैंने देखा है गरीब लोगों को आवास प्रोवाइड नहीं कराया गया है, सिर्फ कागजों में नाम लिख के दर्ज करा लिया जाता है, उनको आवाज नहीं दिया जा रहा है, आवाज उन्हीं को दिया जा रहा है जिनकी पहचान है या जिनके पास पैसा है। इसका मैं बताता हूँ, उसका कारण ये है कि ऊपर से तो पास हो जाता है कि भाई ये गरीबों को करना है, बीच वाले जो व्यक्ति होते हैं अधिकारी होते हैं ये सब दबाव रुकर के रोक लेते हैं। अभी जैसे अभी मेरे 4-5 जनों का भरवाया था नगर निगम में, ये निकला है प्रधानमंत्री फुटपाथ वाला, सिर्फ 2-3 जनों को दिया बैंक वालों ने, बाकी सबको मना कर दिया, सैंक्शन हो गया था नगर निगम से। तो इसमें बिचौलिए जो है ये रोक देते हैं काम को, नाम किसका खराब होता है।
कांग्रेस या बीजेपी, कहीं ना कहीं ये सरकार की कमजोरियां हैं जो मतलब गरीब लोगों को सहायता नहीं दे पा रही है या होने वाले पूरा फॉलोअप करना चाहिए सर, पूरा फॉलोअप करना चाहिए कहां तक ये पहुंच रही है कि नहीं, राहत सक्सेसफुली उनके हाथों में जा रही कि नहीं, एक दो कोई दे देख के नाम कर लेते हैं मैंने कर दिया काम, पूरी एक एक उसकी जाँच करवानी चाहिए, उनको अच्छे से देखना चाहिए जो हम डाल रहे हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सही पहुँच रहा है कि नहीं। ये आप बीजेपी में जो मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है? बेरोजगार तो ऐसा है कल सबसे ज्यादा बेरोजगारी पहुंच चुकी है, युवा परेशान हो रहे हैं, डेली आत्महत्या कर रहे हैं प्रेशर के कारण, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना है सर कि जैसे कुछ एक लेवल होता है काम का, उस लेवल तक आदमी को आना चाहिए, नहीं आता है तो बेरोजगार कहलाएगा, है ना। जैसे अभी कहीं कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है उसको आना चाहिए, नहीं आएगा तो बेरोजगार हो जाएगा। बैंक वगैरह में काम करना है इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए, सब जनरल नॉलेज होना चाहिए तब वो काम कर सकेगा, नहीं आएगा तो बेरोजगार हो जाएगा। तो उसको अपने लेवल को उठाना है, गवर्नमेंट कंडम आदमी को देगी नहीं, ये गाड़ी है आपको दे देगी चलाना, नहीं आती नहीं आएगी तो नहीं चला पाओगे आप बेरोजगार, तो यू हैव टू लर्न, सीखना है। जी 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 बिल्कुल। और मतलब ये नगर निगम में अपना भोपाल जिले में कैसा काम चल रहा है, नगर निगम का साफ सफाई को लेके आप किस नजरिए से देख? वो ठीक है, पहले जैसे ही है, तो बजट मेन चीज होती, बजट नहीं है गवर्नमेंट, बजट तो नहीं, बजट तो क्यों नहीं है, क्योंकि इतना सारा टैक्स आ रहा है आम जनता जो टैक्स देती कहीं है, और लगा रहे हैं कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं कर रहे हैं, इसका ये लग रहा है क्या? ये जनता का टैक्स है जो मतलब जनता का जो टैक्स है वो सरकार, हाँ वो विधायक वगैरह खरीदने में लगा रहे हैं क्या? अब ये तो मतलब इतना सारा टैक्स आता है वो टैक्स कहाँ जा रहा है? तो खैर ये तो भी बता सकते हैं कि क्या कहाँ ये जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको अगर बारीकी से जांच की तो मालूम पड़ गया कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मतलब भोपाल से आलोक शर्मा जी का मतलब चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्या आपको, या कांग्रेस की? बीजेपी टोटल हवा है, हवा है, हवा है, क्योंकि कांग्रेस से तो बहुत चिड़ गए हैं, जनता बहुत बुरी चिड़ी हुई है, कुछ काम ऐसे हो गए थे तो उस वजह से कांग्रेस का तो कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें मेरे ख्याल से, बाकी भगवान सबसे बड़ा है, किसको क्या चुनता है उसी के हाथ में। जी जी थैंक यू जी। भैया आप क्या कहना चाहते हो थोड़ा? जी मतलब लोकसभा इलेक्शन होने वाले, लोकसभा इलेक्शन को आप किस नजरिए से देखिए? लोकसभा इलेक्शन तो एक तरफा होने वाले हैं मेरे हिसाब से। किस कारण से एक तरफा होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आप है, बीएचपी है, सपा है, और ये आप मतलब एक तरफा कैसे कह सकते हैं? एक तरफा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी आपने राम मंदिर जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम था उसमें आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक जो हिंदुत्व की जो एक लहर सी दौड़ गई है उसके तहत जो अयोध्या में भव्य शुभारंभ मोदी जी के कारण किया गया है श्री राम का, तो उससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? उसको पूरा पूरा फायदा मिलेगा बीजेपी को, और अदर पार्टियों को कोई फायदा नहीं? अदर पार्टियों को मैं नहीं मानता कि मिलेगा। मतलब लोग क्या धर्म को देख के वोट देते हैं, या फिर प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं, या सरकार के कामों को देख के वोट देते हैं? देखिए तरीका तो ये कहता है कि आपका जो लोकल क्षेत्र का जो प्रत्याशी है उसके कामकाज या उसका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है उसके आधार पर हमें मिलना चाहिए, मतलब वोट देना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि आजकल शीर्ष नेतृत्व भी थोड़ा सा मायने रखाता है कि भाई लीड कौन कर रहा है, अगर लीडर अच्छा है तो ओबियसली अच्छी चीज़ें सामने आएंगी, अच्छी योजनाएं सामने आएंगी। अब मोदी जी का ये मान के चलो कि काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो उनके द्वारा किए गए जो आम जनता को, पब्लिक को, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी है, काफ़ी सराहना मिली, ऐसा नहीं है। तो इस नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार बनाएगी, 100% बनाएगी। नहीं बीजेपी तो सरकार बना सकती है, लेकिन जो जितनी भी सारी योजना बीजेपी निकाल ही जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री, ये जनता तक पहुंच नहीं पाती है, कुछ योजना कागजों में ही सीमित रह जाती है। हाँ वो तो है, होता क्या है जैसे बीच में अब जो बिचौलिए है या डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाता, कई ऐसी योजनाएं रहती हैं जो नहीं मिल पाता, तो इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए, जनता को लाभ दिलाना चाहिए, और रोजगार का एक ऐसा मुद्दा है जो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। शिक्षा को लेके आप देख लीजिए, बेरोजगार दिन प्रतिदिन बेरोजगार हो रहा है, ओवर एज हो रहा है, वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है। सबसे मेन चीज क्या है, अब केंद्र सरकार की वैकेंसियां तो ठीक है अपनी जगह पे, पर जैसे जब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां निकलती है उसमें जो धांधलियां निकल के आती है तो कहीं ना कहीं मन, जैसे आपने देखा होगा अभी उसका पेपर हुआ था
पटवारी भर्ती, पटवारी भर्ती में सबसे ज्यादा ग्वालियर से घोटाला हुआ है। मतलब जो पढ़े लिखे युवा थे उन्होंने नंबर अच्छे पेपर दिया है, नंबर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। इसको उजागर, सरकार को उजागर करना चाहिए और युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह कि वो जो घोटाला हुआ था उसकी कोई अच्छे से कोई अगर जांच अगर हो जाती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं, जांच टीम तो उनने बनाई थी, जांच टीम बना के उनने मतलब लोगों के सामने उसको पेश नहीं किया, अंदर टीम बना के और शो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसको क्लीन चिट दे दिया। लेकिन जो युवा वगैरह जो पास हुए थे, अच्छे नंबर आए थे, 140-150 बेचारे वे रो रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और ओवर एज हो गया, अब उनका क्या हो, उनका तो भविष्य अंधकार। के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनी तो युवाओं को एकजुट होकर फिर उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ जरूर करना। हाँ, युवा जैसे धरना प्रदर्शन करता है, जैसे टीचरों ने, जैसे टीचरों ने धरना प्रदर्शन किया था तो सरकार ने लाठी चार्ज करवाया था। ये भी इसके पीछे आप क्या कहते हैं? ये भी गलत है, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, अगर धरना प्रदर्शन करने पर ऐसा थोड़ा अत्याचार टाइप का होगा तो वो तो एक गलत चीज है। ये तो इसका ये सरकार की खामियां, इनको देखते हुए आप अपना प्रत्याशी चुन सकते हो। बिल्कुल 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 चुन सकते हैं। अभी आपको लगता है कि आलोक शर्मा जी बेस्ट है यहाँ? अभी हाल फिलहाल में देखा जाए और भी अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, ऐसा नहीं है। पर आलोक शर्मा जी क्या है कि पुराने कार्यकर्ता है, पद पे भी रहे हैं और महापौर है, अच्छी छवि है। हाँ, महापौर रहे तो अभी हाल फिलहाल में ठीक है। बाकी अब वो तो पार्टी की लाइन रहती, पार्टी डिसाइड करती क्या करना क्या नहीं करना। आप ईवीएम को किस नजरिए से देखते हो? ईवीएम अगर कहीं ना कहीं मान लो बैलेट पेपर अगर मान लो ऑब्जेक्शन लेता है सारी, अगर मान लो वाक्य में कुछ ऐसा सारी पार्टियों को एकजुट होकर आपका चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, कम से कम एक बार बैलेट पेपर से करवा के देखना चाहिए। अगर आप उसमें भी जीतते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं फिर आप ईवीएम मशीन से। बाकी जब से ये ईवीएम मशीन आई है बीजेपी बोलती है 200 पार तो 200 पार ही आंकड़ा जाता है, लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कई स्टेट्स में हार भी जाती जहाँ ईवीएम से हुए तो फिर हाँ ये कारण भी है। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कोई परेशानी अगर आती है, अपने को लगता है कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम है या ईवीएम से कुछ ऐसा हो सकता है तो उसकी प्रॉपर जाँच हो जानी चाहिए, तो सभी को समझ में आ जाएगा कि यार ईवीएम अच्छी है या बुरी है। ये है, ठीक है, धन्यवाद हमारे चैनल में बने रहने के लिए, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हाँ, मैं आप तक की बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ कैमरामैन अंकित।